Hi everyone. In this video, we will discuss about how did AAP win in Punjab. Aam Aadmi Party has created a history by winning 92 out of 117 seats of Punjab. And it has showcased the fall of bigwigs like Shiromani Akali Dal or Prakash Singh Badal and the INC. Actually, जब पंजाब फॉर्म हुआ था 1966 में तब सिर्फ दो ही पार्टीज का रूल चलता था शिरोमणि अकाली दल रिप्रेजेंटिंग प्रकाश सिंह बादल एज द सीएम और द आईएनसी पर आम आदमी पार्टी की इस विन के बाद ये ट्रेडिशन ब्रेक हो गया। अब हम पंजाब एज अ होल की बात करें तो पंजाब रीजन को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं मालवा वाबा एंड माझा। मालवा पंजाब का इतना इम्पोर्टेंट रीजन है क्योंकि इस अकेले रीजन में 69 सीट्स आती हैं और जिसमें से आम आदमी पार्टी ने जीती 66 सीट्स एंड यस दैट इज अ हिस्टोरिक विन। अब हम डिस्कस करते हैं रीजंस जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को इतने सारे वोट्स मिले। द फर्स्ट रीजन इज आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ इट फार्मर्स मूवमेंट। फार्मर्स मूवमेंट ने पंजाब के लोगों को बहुत ही अवेयर कर दिया कि वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे बिकॉज दे वर एंग्री ऑन द नाउ रिपील्ड फार्म लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और कांग्रेस पार्टी में एक इंटरनली स्ट्राइक चल रही थी फॉर इंस्टेंस बिटवीन सिद्धू एंड चन्नी फॉर द पोस्ट ऑफ सीएम एंड देन उनके आपस में एलिगेशन भी शुरू हो गए थे तो जिससे कांग्रेस पार्टी थोड़ी थोड़ी वीक होनी शुरू हो गई इन पंजाब। द नेक्स्ट इज कैप्टन अमरिंदर सिंह का कांग्रेस से अनसेरेमोनियसली एग्जिट कर जाना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा वीक पॉइंट प्रूव हुआ था बिकॉज कैप्टन अमरिंदर सिंह वॉज कंसिडर्ड वन द फेवरेबल पर्सन इन द आईएनसी जिसको पंजाब के लोग वोट करते थे। अब हम बात करते हैं दो मेन इश्यूज पंजाब की जिसके लिए लोग सच में सॉल्यूशन चाहते हैं। फर्स्ट इज द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग मैनेज। एक्चुअली ड्रग मैनेज की प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू सम पॉलिटिकल एनालिस्ट जब से चन्नी की सरकार आई तब से ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है एंड अकॉर्डिंग टू एम्स आज की डेट में ड्रग्स की प्रॉब्लम अपनी पीक पर है इन पंजाब। द नेक्स्ट इशू इज अनएम्प्लॉयमेंट इशू। मार्च 2020 के बाद से पंजाब में अनएम्प्लॉयमेंट अपनी पीक पर है जिसके लिए लोग सच में एक सॉल्यूशन चाहते हैं। तो आप पब्लिक का मूड देख सकते हैं पंजाब में दे रियली वॉन्टेड अ चेंज और बदलाव। अब आम आदमी पार्टी ने यही बदलाव को अपने कैंपेन में नाम दिया बदलाव कैंपेन ऑफ आम आदमी पार्टी। और ये कैंपेन हालांकि मानते इनिशियल फेज में बहुत ही वीक चल रहा था बट जैसे ही इलेक्शन का फेज शुरू हुआ आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेन बहुत स्ट्रांग बना लिया बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। जैसे इन्होंने स्लोगन्स यूज करे थे एक मौका आप लो, ये सारे स्लोगन्स और इनके कैंपेन्स वही शो कर रहे थे कि पब्लिक का मूड क्या है। दरअसल पंजाब में पब्लिक का मूड यही था कि वो एक चेंज चाहते थे, वो उनको लग रहा था कि आईएनसी से उनको ये इश्यूज के सॉल्यूशंस नहीं मिलने और ना ही उनको शिरोमणि अकाली दल से, तो एक ही चेहरा था आम आदमी पार्टी का। और अब हम चेहरे की बात कर रहे हैं तो भगवंत मान वॉज कंसिडर्ड एज द फेवरेट पर्सन अमंग द पीपल ऑल्सो, मतलब वो कोई ऐसे नहीं कह सकते कि ही वॉज द अनपॉपुलर पर्सनैलिटी अमंग द पीपल। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी का कैंपेन बहुत ही सिंपल और फोकस्ड था। ये फोकस था दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे। उनका सिर्फ यही कैंपेन था कि अगर हम दिल्ली में फ्री बीज दे सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, हेल्थ सेक्टर में बेनिफिट्स ला सकते हैं तो वही चीज हम पंजाब में भी इंट्रोड्यूस करेंगे। इनफैक्ट पंजाब में भी उन्होंने एक मैनिफेस्टो रिलीज किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो एक फ्री भी था कि अगर जो भी वुमेन हैं पंजाब में 18 प्लस हैं तो उनको 1000 रुपीज एवरी मंथ मिलेंगे। सो दीज वर सम ऑफ द रीजंस फॉर आम आदमी पार्टी हिस्टोरिक विन इन पंजाब। सो आई होप आपको कुछ रीजंस अब क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू फील कि कुछ और रीजंस भी थे आम आदमी पार्टी के जीतने के सो प्लीज़ फील फ्री टू कॉमेंट। I would highly appreciate it. Thank you so much.